तो मैं केल्टेक में गया था, वहां पर प्रोफेसर रिचर्ड फिनमैन करके थे, तो उनसे एक बार नहीं मिले, उनसे मिलते रहते थे कि हमारे डिपार्टमेंट थे, और उनको मैंने देखा, समझने की कोशिश किया, तो जो उनके जीवन का नजरिया था, जिस तरह से वो पढ़ाते थे, वो सब दिखता था मैं, तो ये तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उनका मुझ पर काफी असर पड़ा। मतलब कहाँ तक मैं उनकी बात समझ पाया, उसको अपने आप में कर पाया, ऐसा तो और लोग कहेंगे, लेकिन ना कि उनके संपर्क में आने से मुझे कुछ फर्क तो पड़ा, प्रेरणा मिली। तो सर आपने इंडिया की काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, फॉरेन की भी काफी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। कैलटेक से सर आपका पीएचडी रहा है, और कैलटेक से आप 1978 में जब इंडिया आए तो आपने टीआईएफआर ज्वाइन किया था। तो क्या फर्क आपको नजर आता है, अमेरिका की कोई लैब हो, इंडिया की ही लैब्स जो हैं, जैसे टीआईएफआर की लैब हो गई या फिर कोई और लैब्स हो गई, तो इन सभी लैब्स में फर्क क्या क्या आपको नजर आता है जहां जहां आपने काम किया है? नहीं, कुछ तो सामान्य सामाजिक जो भी प्रणाली है उसका असर लैब के लोग भी उसी समाज के भाग होते हैं, जी तो जो हिंदुस्तान में कोई रहेगा तो उसको फर्क तरह से जीवन होता है उनका, तो लैब में भी थोड़ा फर्क होता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं मिलता हम लोगों को, लेकिन आई थिंक ऑन द होल विदेशों में लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो ज्यादा अच्छी होती है यहाँ की बनिस्पत। हिंदुस्तान में अक्सर कई जगह पर लोगों को ढंग से ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनकी इंट्रिंसिक एबिलिटी उतनी होती है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो पाती पूरी तौर से, और थोड़ा सा उनको शुरू शुरू में थोड़ा गाइडेंस भी की भी जरूरत होती है। आदमी में कुछ एबिलिटी है लेकिन अगर उनको कुछ भी नहीं सिखाया गया तो वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे दौड़ होती है तो बच्चे दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ओलंपिक में दौड़ना है तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस बचपन में जो भी बच्चे ने दौड़ना सीखा है उसके आधार पर आप ओलंपिक में दौड़ लेंगे। तो विज्ञान में रिसर्च कुछ हद तक ओलंपिक में दौड़ की तरह से है, क्योंकि आपको अगर आपने कुछ ऐसा चीज ढूंढी जो लोग पहले से जानते हैं तो कुछ बात नहीं हुई ना, कोई नया काम करना पड़ेगा जो अब तक किसी ने नहीं किया है, तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो यहाँ पर सब लोगों को नहीं मिलती, तो इसलिए थोड़ा सा स्तर कम रहता है। सर बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की। जब भी हम लोग फंडामेंटल साइंसेस के बारे में बात करते हैं तो एक साइंस फिक्शन किसी चीज दिमाग में आती है जब भी फंडामेंटल की बात करते हैं, चाहे फंडामेंटल में वो कॉस्मियोलॉजी की बात करें हम या क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, दिमाग में एक फैंटेसी और इमेजिनेशन चालू हो जाती है कि बड़ा कलरफुल सा वर्ल्ड होगा और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीजें होगी, बट एक्चुअल में जब वो कैलकुलेशंस और जब वो एक्चुअल सब्जेक्ट हमारे सामने आता है तब हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है और किस तरह से सब्जेक्ट्स को हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि वो साइंस फिक्शन जो है वो ना लगे, फिक्शन से रियलिटी तक का सफर कैसे तय किया जाए? क्योंकि हम लोगों ने आज तक कॉस्मियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, क्वांटम फिजिक्स हो, स्ट्रिंग थ्योरी हो, ब्रायन ग्रीन सर काफी ज्यादा स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने काफी अच्छे एनिमेशन VFX वगैरह के साथ देखे हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है, बट बाद में जब एक्चुअल कैलकुलेशन सामने आती है तब पता लगता है कि चीज क्या चल रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से इस बैरियर को तोड़ा जा सकता है? तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी प्रकृति के नियम हैं, मुश्किल हैं जैसे भी हैं, उसको कुछ समझा कर बता दें लोगों को, जिससे उनकी कुछ समझ में आ जाए। तो अगर उनकी समझ में आ जाते हैं तो अच्छी बात है, तो खुशी की बात है कि प्रकृति के बड़े गूढ़ नियम हैं वो भी हम समझ लेते हैं तक। लेकिन अगर ये कोशिश की जाए कि उसको हम आगे बढ़ाएं तो वो काम काफी मुश्किल रहता है, तो ये आशा नहीं करनी चाहिए कि मैं
15 मिनट के कुछ लेक्चर पढ़ने के बाद मैं कुछ ऐसा नया काम कर पाऊंगा, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो हरेक ऐसे तो करोड़ों लोग होंगे जो उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ ली, बाद में पहले कहते थे कि आइंस्टाइन ने जब रिलेटिविटी की थ्योरी लिखी थी ना, दुनिया में सिर्फ 10 लोग समझते, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो उसको अंडर ग्रेजुएट क्लास में पढ़ाते हैं तो करोड़ों लोगों ने सीख लिया है उसको। लेकिन फिर भी अगर एक चीज को समझना एक चीज है, उसको आगे बढ़ाना दूसरी चीज होती है, वो काफी कठिन काम होता है। और उसको इस तरह से है कि अगर आपने एक नॉवल पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक और नॉवल लिख पाएंगे, और लिखेंगे तो कोई खास अच्छा नहीं होगा। जी, काफी ज्यादा सच्चाई सर आपने ये जो है वो बताई है बट ये एक्चुअल बात है। अब सर ये वाली बात आई है तो मैं आपसे एक और चीज के बारे में विचार आपके जानना चाहूंगा। बुक रीडिंग, बुक रीडिंग नॉवेल्स की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बात करूंगा कि यही सेम जो कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में मैंने अभी पिछले सवाल में बात करी, क्वांटम मैकेनिक्स हो, ग्रेविटी हो, या फिर कॉस्मियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि हमारी जनरेशन जो है, जो अभी यंग लोग हैं, जो जिनकी उम्र 30 साल से अभी कम, काफ़ी हद तक ये देखते हैं हम लोग कि वीडियोस वगैरह से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखते हैं। तो बुक रीडिंग पर कितना एम्फेसिस होना चाहिए, और मैथमेटिकल जो उसका एक एवेल्यूएशन है, मैथमेटिकली उसको सीखने पर कितना ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग आगे सब्जेक्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं। मैं इसे कहूँगा कि आप वीडियो देखिए, एक बार देखना तो अच्छा है, कुछ समझ में आ जाता है इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन अगर आप उसको उसी विषय पर आगे काम करना होगा तो आपको उसको पूरी तरह से समझना होगा। तो उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो होगा, उसको आप 25 बार देखें, इतनी वो वही चीज़ है जैसे 25 बार किसी किताब को पढ़ा, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। वीडियो देखना मतलब पुराना फॉर्म है किताब पढ़ना, लेकिन अभी भी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो किताब के फॉर्म में ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं, वीडियो के फॉर्म में कम मिलती हैं। तो जो एडवांस रिसर्च है उसके लिए पेपर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, जो नए रिसर्च पेपर आते हैं उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। उसमें एक बार वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, एक किताब को 5 बार 10 बार पढ़ना पड़ता है तब उस पूरी तौर से समझ में आती है, फिर उसी को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। तो कोई इलाज नहीं, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, किताबों के बिना अभी काम नहीं चलेगा। भाई एक बार वीडियो देखने से तो सिर्फ वीडियो देखना इतना मुश्किल नहीं है, वीडियो देखकर उसको समझना या ये जानना कि मैं पूरी तौर से समझा या नहीं समझा, ये भी एकदम सबके लिए आसानी से नहीं होता। जी, कई बार ऐसा होता है कि नेशनल ज्योग्राफी के वीडियो आते ना बहुत सारे, जी जी जी, तो मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ। अगले दिन पूछता है कोई मुझसे कि क्या देखा, मुझे याद नहीं, कुछ भी नहीं याद कि क्या देखा था मैंने वीडियो में, तो उससे कोई लाभ नहीं है। इस तरह का वीडियो देखने से तो कोई लाभ नहीं होगा, चाहे आप उसका ब्रायन ग्रीन का वीडियो देख लें, चाहे आप किसी और का देख लें, अमिताभ बच्चन का वीडियो देख लें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देख रहे हो भाई, बुक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बुक्स रिकमेंडेशंस मैं अभी, बुक की रिकमेंडेशंस भी मैं अभी सर से लूंगा, जो सर बुक्स बताएंगे उन्हें भी पढ़ना, तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें हो उन किताबों को भी पढ़ना, और किताबें पढ़ो, किताबों से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम लोगों को समझ में आएंगी, एक ऑथर की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो तुमको बुक में ही मिलेगी। सर अब बढ़ते हैं फंडामेंटल रिसर्च की। तो फंडामेंटल रिसर्च हमारी कंट्री में मेरे हिसाब से, मैं कहूँगा कि अभी के हिसाब से काफ़ी कम होती है अगर हम लोग यूरोप से कंपेयर करें तो, बट अप्लाइड रिसर्च में हमारा देश काफ़ी आगे है, काफ़ी अप्लाइड रिसर्च में, कोविड में भी हम लोगों ने काफ़ी सारी रिसर्च करी है, अप्लाइड रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का एम्फोसिस रहता है। फंडामेंटल रिसर्च भारत में उतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है, और अगर हम लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं
तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे हम लोग टैक्स पेयर्स को, जिनकी मनी से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, कि टैक्स पेयर्स की मनी को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हम लोग फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो इससे ये फ़ायदा होगा। तो ये दो सवाल है मेरे कि सबसे पहले तो भारत में ये इतना ज़्यादा होता क्यों नहीं है, दूसरी बात कि टैक्स अगर होगा या फिर जितना भी हो रहा है उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए कि टैक्स पेयर्स का मनी और जो हार्ड अर्न मनी है टैक्स पेयर्स का, जो टैक्स वो लोग पे कर रहे हैं, किस तरह से उसको उन लोगों को जस्टिफाई किया जाए कि उनका इसमें कुछ फायदा है। तो मैं कहूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में फंडामेंटल रिसर्च ज़्यादा नहीं होती है, असल में हम लोगों के यहाँ अप्लाइड रिसर्च एक्चुअली काफ़ी कम होती है, फिजिक्स में तो ज़रा कम होती है। ये तो जो आपने जो कुछ नाम लिए कोविड आदि के, वो तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में आ जाएगा। फिजिक्स साइंस रिसर्च में अगर बात करें अप्लाइड फिजिक्स में, तो हम लोगों के यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अच्छी लैब चाहिए, वो ज़रा मुश्किल से मिलती हैं। थ्योरेटिकल रिसर्च में इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, लैब होगी, इंटरनेट होगा, उससे काम चल जाता है कुछ हद तक। और कुछ हिंदुस्तान में ऐसा भी है कि जो स्टूडेंट होते हैं या और लोग, वो उनको ये नहीं अच्छा, इनको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आदि करना अच्छा नहीं लगता है, बहुत मेहनत होती है, इसके बजाय 2-3 मिनट में कुछ पढ़ लेंगे, उसे ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं वो सब समझ में आ जाएंगे, उसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो वो कुछ फैसिनेशन होता है फंडामेंटल रिसर्च के लिए, तो ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इस तरह का कुछ काम करें, लेकिन उसमें सफलता इतनी ज़्यादा नहीं मिली। काफ़ी लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, उसके लिए उसके भी बहुत सारे वजह हो सकते हैं, मुझको खुद नहीं मालूम क्या है। क्योंकि जब 1930 के करीब ना, जब ये बोस ने काम किया था, रमन ने काम किया था जी, उस टाइम तो देश में इससे भी बहुत कम वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध थी, या लेवल प्रगति का कम था, लेकिन रिसर्च का लेवल बहुत ज़्यादा था। और उसकी बनिस्बत आजकल जो सारी यूनिवर्सिटी हैं उसमें ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन रिसर्च का लेवल उतना तो नहीं पहुंच पाया है। तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, उसके लिए इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया होता तो शायद उसका कुछ इलाज भी ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन बहुत एक से ज़्यादा वजह हैं तो कुछ मालूम है, वो उनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। समझ सकते हैं सर, समझ सकते हैं। जी जी जी, तो सर इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, मेरा दूसरा सवाल ये था कि इसको कि टैक्स पेयर्स को इस चीज के लिए जस्टिफाई, जैसे अगर हम लोग स्पेस साइंस की भी अगर हम लोग बात करें कि ना जो इसरो हमारा है वो स्पेसक्राफ्ट भेजता है, तो इससे उन लोगों का क्या फायदा है, इस बारे में किस तरह से उन लोगों को समझाया जाए? ठीक है, ऐसा है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्योर साइंस में काम करें या अप्लाइड साइंस में काम करें, काम तो दोनों में करना चाहिए और दोनों में अच्छा काम करना चाहिए। और मतलब जैसा विदेशों में होता है कि ज़्यादातर 90% ऑफ द रिसर्च इज अप्लाइड, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, करीब 90% ऑफ द रिसर्च वो अप्लाइड हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्योर रिसर्च में कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो एक फर्मी लैब अमेरिका में बड़ी लैब है, उसके डायरेक्टर के पास एक वहाँ की जो संसद है उनके मेंबर गए थे, तो उन्होंने पूछा कि ये तो फंडामेंटल रिसर्च में आप लोग काम कर रहे हैं, कोलाइडर वोलाइडर का है जो फर्मी लैब, तो उससे हमारे देश को क्या लाभ होता है? अगर आप कुछ डिफेंस रिसर्च कर रहे होते तो अच्छा था, लेकिन ये सब पार्टिकल फिजिक्स में काम करने से क्या लाभ देश को? तो उसके डायरेक्टर ने कहा था, इट मेक्स द नेशन वर्थ डिफेंडिंग। मतलब कोई तकिया कलाम जैसी चीज नहीं है, बहुत प्रोफाउंड बात है कि कुछ हद तक अगर आप जैसे कहें कि ठीक है तुलसीदास ने कोई किताब लिख दी, उससे देश का क्या लाभ हुआ,
इसको लाभ तो जरूर हुआ, कुछ समय बाद पता चलेगा क्या लाभ हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सब लोगों को ठेका दिया जाए कि चलो चलो तुम कोई किताब लिखो, रामायण लिखो, रामचंद्र जी के बारे में 25 किताबें लिखी जाए, 50 किताबें लिखी जाए। लेकिन जो भी कुछ है, अगर कुछ उपयोगी चीज है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रोजाना की जरूरतों के लिए ही हो। जो आदमी की आध्यात्मिक जरूरतें हैं उसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए, उसके लिए भी कुछ सोच होनी चाहिए। तो या अंग्रेजी में कहते हैं मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। तो कुछ लोगों को इस तरह के काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ये नहीं है कि सारे ही देश की जितनी रिसोर्सेस हैं वो सबको इसमें खर्च कर दिया जाए। और उससे कुछ लाभ होता है, जरूर होता है, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट होता है। उसको हमेशा आने पैसे में नहीं तोला जा सकता। जी, तो काफी अच्छे से आपने इस चीज को भी बताया सर कि क्यों फंडामेंटल रिसर्च पर एक तो हमें ध्यान भी देना चाहिए, दूसरी बात यह है कि क्यों इस पर बहुत ही ज्यादा काम, एकदम ही सारे रिसोर्सेस ही नहीं लगा देने चाहिए। सर, पिछले साल हमारी गवर्नमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी थी जिसमें काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया चेंजेस थे कि जैसे कॉलेज में अगर आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा, उस समय तक के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, एंड देन करिकुलम में हमारे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे उनको कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी और भी चीज़ें सिखाई जाएंगी। सबसे पहले तो आपके विचार जानना चाहूँगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, फिर आता हूँ मैं अपने दूसरे सवाल पर। देखिए, ऐसा है कि ये पॉलिसी में जो उद्देश्य होते हैं उनसे तो किसी को कोई ज्यादा वो नहीं होगा कि हम चाहते हैं कि जैसा जैसा आजकल हमारी शिक्षा पद्धति है उससे बेहतर हो जाए किसी तरह से। लेकिन जो दिक्कत होती है वो कई बार इसके इम्प्लीमेंटेशन में होती है कि जो आपने उद्देश्य बनाए हैं वो सफलतापूर्वक लोग काम में ला सकते हैं या नहीं। तो उस पर हमारे कई जो मित्र लोग हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल में काम करते हैं, उनको लगा कि मतलब ऐसा सोचने में तो अच्छा लगता है कि कोई स्टूडेंट है वो बजाय इसके कि बेकार में कोई लंबी सी डिग्री ले, वो छोटा सा कोई डिप्लोमा लेकर कुछ काम कर सकते हैं तो डिप्लोमा तो मिल जाएगा। लेकिन डिप्लोमा देने को तो मैं सबको फ्री में भी डिप्लोमा दे सकता हूँ, अगर डिप्लोमा देना मेन उद्देश्य है हमारे काम का तो वो आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर डिप्लोमा से आदमी कुछ सीख पाएगा या नहीं, जो जो आदमी हमारे कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है वो उसको हमने कुछ सिखाया उसके बाद डिप्लोमा दिया, वो गए उससे उसको जो भी वो काम कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, तो ये जो कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं ना, ऐसा कि 10+2+3 होना चाहिए या 2+4+2 होना चाहिए, इस तरह का, इनसे भी फर्क पड़ता है। लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम वो रह जाती है वो यही रहती है कि जो हमारा जो सिस्टम है उसमें स्टूडेंट आएगा फिर वापस जाएगा, बाहर निकलते वक्त वो कितना सीख पाएंगे। और सिर्फ ये ऊपर के चेंजेस करने से इसमें चेंज आना मुश्किल होता है, उससे लाभ होगा लेकिन देखना पड़ेगा कि कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है इन सब का। तो जैसे मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ जो थोड़ा सा मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जो हम लोग कुछ से बात करते हैं तो था, तो बताया गया कि छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत इम्तहान देने पड़ते हैं, बहुत प्रेशर होता है, तो सरकार ने कुछ सोच कर ये कुछ कर दिया था बीच में कि बीच में इम्तहान नहीं होगा, बिना इम्तहान के डिग्री मिल जाएगी तुमको, अग्नि क्लास में भेज देंगे अप टू फिफ्थ ग्रेड, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को पांचवी क्लास में, छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, उन्होंने देखा कि पहले क्लास में 2-3 बच्चे होते थे वो कुछ नहीं पढ़ते, कभी ना पढ़ना ना पढ़ते ना पढ़ना चाहते हैं,
तो वो तो हमेशा रहे हैं, हमेशा हर एक क्लास में 30-40 बच्चे होंगे, उसमें 2-3 बच्चे ऐसे होंगे। अब बाकी बच्चे जो हैं वो उनके लिए वो रोल मॉडल हो जाते हैं, वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं पढ़ते लेकिन हम तो पास हो जाते हैं, तुम भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को कुछ मेंटल ट्रॉमा ना हो, बिना मेहनत के पढ़ पाए। लेकिन अगर आप ऐसा नियम बना देंगे कि कोई इम्तहान ना हो, तो हो सकता है कि बच्चों की साइकोलॉजी भी समझना जरूरी है उसके लिए। तो सब फर्क फर्क पहलू से देखना पड़ता है, दूसरे ढंग से सोचना पड़ता है। तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि जो शुरू में एकदम से लगता है कि हाँ ये तो अच्छी चीज है, वास्तव में भी वो अच्छी चीज हो। अभी तो इतना ही कहूंगा। जी। अगला सवाल मेरा सर इसी से रिलेटेड है कि जिस तरह से आपने कहा कि स्टूडेंट्स को पास कर देने में दिक्कत होती है, मेरा एक सुझाव कह लीजिए या एक मेरी शिकायत कह लीजिए हमेशा ये रहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपने भी नोटिस करी होंगी जो 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं साइंस में, वो चीज़ें 9वीं 10वीं में अगर पढ़ाई जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को और ज़्यादा समझ आ जाएंगी और 11वीं 12वीं का बेस बन जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो 9वीं 10वीं से उठाकर 11वीं 12वीं में डाली जाएं जिससे लोग उन पर डिटेल में पढ़ सके। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि क्या पॉलिसी चेंज करने से हमारा करिकुलम, हमारा सिलेबस भी चेंज होगा, क्योंकि एक जो है कि हमारी बुक्स जो है वो अपडेट की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो टाइम टू टाइम होती तो रहती हैं, बट अब हम लोगों को, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आइंस्टाइन की थ्योरी लोग अब BSc लेवल पर पढ़ रहे हैं और MSc लेवल पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें करिकुलम में कुछ ऐसे चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या हम अपने अगर मैं कहूँ कि स्ट्रीम्स जो डिवाइड करते हैं उनमें क्या कुछ किताबों में ऐसा फेरबदल करने की ज़रूरत है जिससे आगे चल के जो है बच्चों को और ज़्यादा तैयार किया जा सके? क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ अपनी बात को रखने के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि NCERT की जो हमारी किताबें हैं, जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ा करता था तो हमारे को फिजिक्स की किताब कभी भी NCERT से नहीं पढ़ाया गया ज़्यादा, स्कूल में पढ़ाया जाता था बट कभी भी कोचिंग वगैरह में पढ़ाया जाए या जो पढ़ चुके हैं वो लोग जो बोलते थे वो NCERT कभी रेकमेंड नहीं करते थे। वो रेकमेंड करते थे हमेशा ही या तो प्रदीप एक बुक आती है और SL अरोड़ा जो ये राइटर्स के नाम हैं, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स और ये सारी किताबें जो है रिफ्रेशर्स जो है जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो हम लोगों को रेफर की जाती थी कि इनसे आप पढ़िए, इनसे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। क्या, और जो बोर्ड एग्जाम्स है उससे हम लोगों को एक ही दो जगह जो है वो एडमिशन मिलता है और बाकी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए हम लोगों को अलग से पढ़ना पड़ता है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो सिलेबस वहां पर है उस सिलेबस का काफी सारा पोर्शन हम लोग अपनी 11वीं और 12वीं की किताबों में डालें? क्या उन रिफ्रेशर्स की हम लोगों को जरूरत ना पड़े, हमारी किताब में ही इतना कुछ हो कि हम लोग उन सभी चीजों को पढ़ भी पाए, समझ भी पाए और भाषा भी ऐसी हो जो हम लोग समझ पाए? तो इसका एक बार इस पर आपके क्या विचार हैं मुझे जरूर बताएं। समय पहले मैं वो पढ़ रहा था, एनुअल रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। इसमें बताते हैं कि हिंदुस्तान में जो पढ़ाई जाती है उसमें किस तरह से लोग पहुंचते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 12 से 15 साल की एज के बच्चे होते हैं ना, पूरे देश में हजारों बच्चों को इंटरव्यू करके उनसे पूछते हैं उनका कॉम्पिटेंसी लेवल कितना है। तो उसमें कुछ ऐसा था कि करीब आधे बच्चे जो लोग पास कर चुके 5वीं क्लास, वो 3 अंकों वाली गिनती से 205 से 509 को डिवाइड करें तो क्या बचेगा, ये सिंपल एरिथमेटिक स्किल है, वो उनको नहीं आती है आधे बच्चों को। तो मतलब हम लोग इस पर बहस करते
काफी देर तक कि उसमें पहली क्लास में कितना चाहिए कितना चाहिए, लेकिन बेसिक फैक्ट है कि उसको जितना भी सिलेबस है उसका ठीक से पढ़ाया पढ़ा नहीं पाते हैं या बच्चों को पहुंच नहीं पाती है वो उन तक वो बात। तो अगर मैं सारी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो हिंदुस्तान की, उसमें कोई स्टूडेंट ले लो बीएससी में आता है वो अंदर, 3 साल बाद वो बाहर चला जाता है। टेक द एवरेज स्टूडेंट, जो ना तो बेस्ट हो ना वर्स्ट हो, मीडियम स्टूडेंट 50% वाला, उस स्टूडेंट से पूछो कि 3 साल में तुमने क्या सीखा फिजिक्स में, एक पन्ने पे लिख के दे दो कि मैंने ये नई चीजें सीखी 3 साल के अंदर, यू विल बी क्वाइट सरप्राइज टू सी कि कितना जवाब आता। और फिर उसके आधार पर तुम सिलेबस की फिर से बात कर सकते हैं कि उसको बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, ऊपर करना चाहिए, नीचे करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ रियल प्रॉब्लम और इट्स अ मच बिगर प्रॉब्लम। सिलेबस पर तो हम बहस कर सकते हैं, लेकिन जो भी सिलेबस है वो किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए वो सुने। सिर्फ आजकल क्या होता है कि लेक्चरर कहता है कि मैंने तो घर स्कूल में जा क्लास यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दे दिया, स्टूडेंट्स ने समझा नहीं समझा, वो प्लेन उड़ा रहे थे या वो इंटरनेट पर कुछ और देख रहे थे, उससे मैं क्या करूं। ओके तो वो कहते हैं कि हमने तो अपना पढ़ा दिया, अब स्टूडेंट्स ने समझा नहीं समझा ये हमारा काम नहीं। तो ऑफकोर्स दैट इज नॉट फुली राइट, बट आई मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसमें बुराई करना भी सही नहीं होगा, स्टूडेंट्स को भी अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा थोड़ा हद तक। और वो एटीट्यूड जो है वो पूरे समाज से आता है। तो जैसे आजकल हिंदुस्तान में कोई भी परीक्षा हो तो वहाँ पर चीटिंग बहुत होती है, कई बार बहुत होती है, मतलब ठीक है कम से कम 10-15% लोग तो चीटिंग करते हैं, कई जगह ज़्यादा भी हो सकती है इससे ज़्यादा। तो मैंने पढ़ा था एक जगह, उसने कहा कि हिंदुस्तान ऐसा देश है, शायद एक आध और होंगे, जहाँ पर पेरेंट्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को चीट करने में, क्योंकि वो बच्चा कहेगा कि पेपर लीक हो गया है मुझको 1,000 रुपये दे दो, मैं मुझे चाहिए, माँ बाप कहेंगे हाँ ले ले बेटा ले ले। सो पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रन इन चीटिंग। तो उसमें है कि बच्चों का उद्देश्य क्या होता है इम्तहान देने का, उनका उद्देश्य होता है कि हम अच्छे कुछ डिग्री मिल जाए, उनका उद्देश्य सीखना कुछ नहीं होता। तो जब तक बच्चों का उद्देश्य बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा कि हमारा हम यूनिवर्सिटी में आए हैं हमारा उद्देश्य कुछ सीखने का भी होना चाहिए, तब तक नहीं बदलेगा। और ये सिर्फ टीचर का काम नहीं होता, इसमें माँ बाप का भी काफ़ी हद तक काम रहता है। मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यही 10वीं क्लास में भी यही होता है, 5वीं क्लास में भी यही होता है। तो पूरी सोसाइटी में कुछ जो उनका दृष्टिकोण है उसमें बदलना जरूरी है, उसके बिना चेंज इतना आसान नहीं होता। आप सिलेबस बदल दीजिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस सब में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट आएंगे वो बस बिना कुछ पढ़े फिर वापस निकल जाएंगे यूनिवर्सिटी सिस्टम से। आपकी बात से सर एक बात याद आई थी कि किसी ने मेरे को बोला था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि 12 साल तक अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी एक 12th क्लास का बच्चा एक लेटर नहीं लिख सकता फॉर्मल। नहीं वो स्थिति में अंग्रेजी की बात नहीं है, जैसे हिंदी होती ना, हिंदी तो मातृभाषा है, निबंध लिखना सिखाते हैं सर 4th क्लास में 5वीं क्लास में सब जगह होता है। निबंध का मतलब क्या होता है, बिना बंधन के कुछ बच्चे को कुछ लिखने की क्षमता होनी चाहिए कि अपने मन की बात कह सके, लेकिन हमने निबंध को बदल दिया है। निबंध क्या होता है, गाय पर निबंध होता है, गाय एक पालतू पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, उसकी 2 आंखें होती हैं, हाँ वो हमें दूध देती है, ये भी कोई कहने की बात है मतलब। लेकिन अगर हम नहीं लिखेंगे तो बच्चे को क्लास में नंबर नहीं मिलेंगे। तो कुछ यू नो कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है कि इतने सारे टीचर हैं वो निबंध लिखना सिखाते हैं, वो वही चीज रटी रटी सिखाते हैं, उनको ये भी नहीं कभी समझ में आता कि ऐसा नहीं, निबंध का मतलब ये नहीं होना चाहिए, बच्चे को अपने मन से 2 वाक्य लिखने की क्षमता होनी चाहिए जो अपनी बात
बात कह सके कुछ भी, तो वो सब इसके लिए मतलब बहुत ऊंची क्लास में जाना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जब तक लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं तब तक वो उनके कुछ विचार सेट हो जाते हैं, उनको बदलना मुश्किल होता है, लेकिन छोटी क्लासों में कुछ परिवर्तन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे टीचर होते हैं तो उन सबको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। वही सब मतलब सब एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। फिर कहते हैं कि टीचर अच्छे नहीं होते, क्यों नहीं अच्छे होते, उनको पैसा नहीं मिलता इसलिए नहीं अच्छे होते। सी इफ यू आर पेइंग सम टीचर प्राइमरी टीचर जी 5,000 rupees पर मंथ एंड यू एक्सपेक्ट देम टू गिव यू ग्रेट रिजल्ट, तो वो तो नहीं हो पाएगा। वो तो सिर्फ वही लोग आएंगे पढ़ाने के लिए जिन्हें कुछ और नौकरी करने को नहीं मिली। सर इस बात से अगर आप चाहें तो इस पर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा नहीं कि आप ज़रूर करें, बट एडहॉक जो एक टीचिंग फैकल्टी होती है, एडहॉक टीचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 महीने के 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ में रखे जाते हैं, PhD लेवल के टीचर्स जिनको एडहॉक रखा जाता है, और जबकि हमारी यूनिवर्सिटीज में परमानेंट पद इतने सारे खाली हैं, तो एक एडॉक लेवल का टीचर भले ही वो पढ़ाएं अच्छा या ना भी पढ़ाएं अच्छा, जो भी चीज हो, पर एक सिक्योरिटी जो हम उन्हें नहीं दे रहे, क्या कुछ इसमें गलत नहीं है कि हम उनको एक सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कैसे अपना 100% स्टूडेंट्स को दे पाएंगे? नहीं नहीं ये तो मतलब काफी पुराने प्रॉब्लम है, तो कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें पिछले 15 साल से उन्होंने कोई नई पोस्ट नहीं ली है, लेकिन जॉब पोजीशन तो है लेकिन उसको फिल करने वाला नहीं है, या ऊपर से कहते हैं कि हाँ हाँ करनी चाहिए लेकिन सेंक्शन नहीं मिलती है, असल में जाकर सेंक्शन कहाँ से करेंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है, आदि आदि कुछ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट मिल जाते हैं उसके लिए। कभी कभी सिलेक्शन कमेटी बैठती है लेकिन उन्हें कोई सही कैंडिडेट नहीं मिलता, तो वो सब प्रॉब्लम है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन मतलब ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि इतना मैं बोल देता हूँ, हैविंग अ गुड एजुकेशन सिस्टम इज नॉट ऑलवेज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स वी हैव हैड। काफी बड़ी बात कही है आपने, और काफी एक छोटे से सेंटेंस में। हर साल ऐसे है कि एजुकेशन बजट डबल कर दिया जाएगा, हर साल डबल होता है लेकिन फिर भी उतना ही रहता है, तो अनाउंसमेंट हो जाता है कभी किसी कमिटी नेशनल साइंस कांग्रेस मीटिंग पर या कहीं पर, प्राइम मिनिस्टर आकर अनाउंस कर देते हैं कि हमने बजट डबल करने का विचार कर लिया, अगले 5 साल में डबल हो जाएगा। आश्वासन बहुत सारे होते हैं लेकिन असल में इतना सब नहीं होता जी। भाई इतना ही बोलेंगे। मेरा अगला सवाल भी सर इसी से लिंक्ड था कि काफी सारे इंजीनियर्स, काफी सारे PhD होल्डर्स जो कि आज के टाइम पर काफी सारे सब्जेक्ट्स में PhD किए हुए हैं, इंजीनियर जो कि मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, चाहे किसी ब्रांच से हो, आज के टाइम पर बेरोजगार घूम रहे हैं, और उन पदों की भर्ती में भी वो अपना नाम देते हैं जिन पदों के लिए 12वीं के बच्चों को एलिजिबिलिटी जिनकी होती है, तो एक ये जो गैप है इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं कि उनके टैलेंट को भी हम लोग यूज़ कर पाएँ और उन PhDs का भी इस्तेमाल हो सके, उन इंजीनियर्स का भी इस्तेमाल हो सके, और ऐसी जगह हो सके जहाँ के लिए वो बने हैं, जिस जगह के लिए उन्होंने पढ़ाई करी है, ना कि उस जगह जहां उनको क्लर्क का काम करना पड़े या फिर कुछ और ऐसा काम करना पड़े। ये तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सी जो यूनिवर्सिटी है उसका उद्देश्य है कि वो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकती है जी, लेकिन अगर उनको नौकरी दिलाना उनका काम नहीं होता, वो नौकरी के योग्य हो जाए इतना तो है उनका काम, लेकिन इसके बाद कोई नौकरी मिलेगी या नहीं ये तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है।
देश की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है इसके आधार पर होगा। तो उसमें कभी कभी होता है, उसमें होता है कि मैंने कहा कि नर्सेज इतनी, हरे हमारे देश में हर साल इतनी नर्स ट्रेन होकर निकलती हैं और इतने डॉक्टर ट्रेन होकर निकलते हैं, तो उनकी संख्या में अनुपात कई बार होता है कि नर्स जो है वो कम है जितनी जरूरत है, डॉक्टर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, ऐसा नहीं है लेकिन मतलब मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। तो उसको कहते हैं कि थोड़ी हद तक ये सप्लाई एंड डिमांड का सवाल होता है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि हम अंदाजा लगाते हैं कि अगले 5 साल बाद कितने इंजीनियर लोगों की जरूरत होगी, तो वो सब इकोनॉमिक प्रिडिक्शन में के आधार पर होती है, या देश में क्या हो रहा है, यू नो इफ देर इज सम इकोनॉमिक कोलैप्स फॉर वट एवर रीजन, तो उसमें पीएचडी लोगों को भी सफर करना पड़ेगा, स्कूल टीचर्स को भी सफर करना पड़ेगा, उसका तो कोई मतलब ये नहीं है कि पीएचडी लोग जो है उनको नौकरी मिलेगी बाकी सब लोग भूखे मर जाएंगे, उसका तो सब पर असर पड़ेगा। लेकिन इनको जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ओवरऑल देश की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम है इससे ज़्यादा, और उसका इलाज कुछ और ज़रूरी है, उसके सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं है वो। जी सर, इस पार्ट का एक आखिरी सवाल लूंगा मैं इस पार्ट के लिए। अगले पार्ट में आपसे और आपके बारे में सवाल पूछेंगे। मैं जितने भी साइंटिस्ट से मिलता हूँ, चाहे इंजीनियर से मिलता हूँ, आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, या मेरे कुछ बड़े भाई लोग हैं जो मतलब जो मेरी ही फील्ड में आगे काम कर चुके हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि शिवा एक एग्जाम क्रैक करो और बाहर पढ़ने जाओ, बाहर जॉब करो, बाहर सेटल हो जाओ, इंडिया में नहीं रखा कुछ, ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। और मैं उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि उन लोगों का कंसर्न क्या है, कि उन लोगों को भी पता है कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, भारत में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ऐसा क्या किया जा सकता है कि लोगों की सोच को बदला जाए और भारत में ही बाकी सारे लोगों को रोक कर एक तरह से भारत के लिए ही उन लोगों को काम करवाया जाए? देखिए, मैं ये नहीं पसंद करूंगा कि लोगों पर जबरदस्ती रोक लगाई जाए कि हाँ, उनको काम ये भी एक फैक्टर है कि देना जबरदस्ती किसी पर रोक नहीं लगानी हमने। ये भी एक चीज मैं ऐड कर देना चाहूंगा कि जबरदस्ती अगर रोक दिया लगाएंगे तो वो जाए। भी मैं अपनी दिक्कत मजबूरी है। आदमी को कोई जॉब यहाँ पर मिलती है या कहीं और मिलती है और उसको लगता है कि मैं वहां पे ज्यादा खुश रह सकता हूँ, तो शायद उनको जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जी तो ऐसा क्यों है कि लोगों को लगता है कि विदेशों में जाकर हम ज्यादा खुश रह पाएंगे, ज्यादा अच्छा जीवन रह पाएगा हमारा? तो ऐसा है कि पैसा तो विदेशों में ज्यादा मिलता है, कि अगर कोई आदमी रेस्टोरेंट में वेटर है तो अमेरिका में हर हफ्ते 200, 300, 500 डॉलर मिल जाएंगे, 500, 600, 700, उसको हिंदुस्तान के रुपयों में कन्वर्ट करेंगे लगेगा कि वो तो बहुत अमीर आदमी है, राइट? लेकिन जी वहाँ पर उसको एक कॉफी पीनी होती है तो उसको 5 डॉलर 3 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जी तो प्राइस लेवल भी ज्यादा है। नहीं, मैं बता जी रहा हूँ कि जी सैलरी ज्यादा होती है लेकिन प्राइस लेवल भी ज्यादा होता है, कमरे का किराया भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, कुल मिलाकर शायद हैप्पीनेस लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये लोगों को इमिडिएटली पता नहीं चलता है यहाँ पर। लेकिन मुझको ये भी मालूम है कि मतलब मैं मिले हैं लोग ऐसे अमेरिका में वेटर होते हैं, उससे पहले बांग्लादेश में डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर, तुम पूछो कि वो क्यों जाके वेटर का काम ले रहा है जबकि उसको पहले वो डॉक्टर था ज्यादा। अब अपनी अपनी पसंद है। जी
लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए पैसे की ज्यादा कीमत होती है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये नेचुरल ऑब्वियस है। लेकिन वंस यू गेट सम लेवल ऑफ कंफर्ट, तो फिर सिर्फ इस पर कि वहाँ पर ज्यादा पैसे मिलते हैं इसलिए मुझको वहाँ जाना चाहिए, वो शायद जाने के पहले लगता है, जाने के बाद लगता है कि नहीं नहीं इससे तो हम हिंदुस्तान में ज्यादा खुश थे। लौट आने वाले ज्यादा कम होते हैं फिर भी। तो इस वाले पार्ट को यहीं पर अभी हम समाप्त करेंगे, और अगर यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है तो भैया बहुत ज़्यादा आप लोगों में हिम्मत है, कि सर की बातें आप लोगों ने तो बड़े ध्यान से सुनी होंगी, मुझे झेलने की आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है मैं कहूँगा आप लोगों को, कि दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की। और अब अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो भैया एक छोटा सा प्राइस जो है, सरप्राइज जो है वो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दूंगा, और इतना रिवॉर्ड तो मेरी तरफ से आप लोगों को बनता है। तो इतने विचार हम लोगों ने सर के जाने, इतने सारे सवाल हम लोगों ने सर को परेशान किया, इतने सारे सवाल पूछ पूछ के, तो अब भाई सर के बारे में भी तो जानना चाहिए, तो सर से सर के बारे में सवाल पूछेंगे और जानेंगे सर अपने टाइम पर जो उनका उन्होंने साइंस में पढ़ाई करी है, उनके जो कॉलेजेस होते थे उस समय पर क्या चीज़ें होती थी, क्या एंटरटेनमेंट के सोर्स होते थे, किस तरह के लेक्चर्स होते थे, किस तरह की बातें होती थी, और किस तरह के सर जो है वो अपने टाइम पर थे। तो सर तैयार हैं आप इन सवालों के लिए? बड़े मजेदार है सर, आप बड़े मजेदार हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप अपने कॉलेज टाइम पे, आप अपने स्कूल टाइम पे पढ़ाई में कैसे थे? क्योंकि एक चीज है, वर्मा सर ने भी एक इंटरव्यू में बोला था, एचसी वर्मा सर ने, कि साइंस और मैथमेटिक्स तो उन्हें काफी अच्छी लगती थी, पर बाकी सब्जेक्ट्स जो होते थे उनसे उनका बड़ा बैर रहता था। तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा था, या फिर आप सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलते थे? सारे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर तो अच्छे आते थे सब चीजों में जी। हमारे पिताजी सरकारी नौकर थे, तो स्टेट जुडिशियल सर्विस में, तो हर दो तीन साल बाद उनका जो शहर में ट्रांसफर हो जाता था, तो उनको बड़ा डर लगता था नए स्कूल में जाने में, क्योंकि वो सब हम, मैं अकेला नया होऊंगा और बाकी सब बच्चे पहले से होते हैं, तो नए जो भी छात्र आता है उसको सब लोग मिल के तंग करते थोड़ा बहुत। तो शुरू शुरू में वो हफ्ता परेशानी रहती थी। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे सभी, मतलब जो भी बच्चे नए स्कूल में जाते हैं उनको बाकी बच्चे ऐसे दुखी करते हैं, तो लेकिन वो मुझे याद रहता है कि उस समय मैं थोड़ा सा डरा हुआ रहता था, बाद में ठीक हो जाता था, क्योंकि क्लास में नंबर वंबर अच्छे आते थे तो फिर ज़्यादा और छात्र भी ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। और नहीं, मुझको तो जैसे हिंदी अंग्रेजी में अच्छा लगता था पढ़ना, उनके बारे में नई कविताएं पढ़ना, नई किताबें पढ़ना, तो ऐसा कोई नहीं था कि सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स अच्छा रहता है जी। और सर आपके इंटरेस्ट क्या थे उस वक्त? आप जैसे आज हमारे पास मोबाइल है, टेलीफोन, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स है, एंटरटेनमेंट के सोर्सेस काफी सारे हो गए हैं आजकल तो बहुत ज्यादा, और क्रिकेट वगैरह हम लोग खेलते हैं, सब चीजें करते हैं, आपके एंटरटेनमेंट के सोर्सेस क्या थे उस वक्त? हम लोग तो ज्यादा किताबें काफी पढ़ते थे, और मैगजीन बच्चों की भी होती थी, चंदा मामा आदि, उसमें पुराने जमाने की या पुराने स्टाइल की कहानियां वानियां होती हैं। गर्मी की छुट्टी में हम जाते थे अपने नाना जी के घर, तो पुराने चंदा मामा के वॉल्यूम रहते थे आदि, वही सब पढ़ते रहते थे। और बाद में फिर नॉवेल आदि पढ़ना शुरू किया था, तो हिंदी के भी नॉवेल, अंग्रेजी के भी नॉवेल पढ़ते थे, तो ज्यादा समय तो उसमें ही लगता था। खेलने में मैं बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसे बच्चों को मिलाकर छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट आदि खेलते थे थोड़ा बहुत। सर आप यूपी से हैं तो मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा आपसे, कंचे खेले सर आपने? नहीं, बच्चों के साथ नहीं खेले। नहीं, वैसे ही कंचे खेले आपने,
कोई भी कंचों का कोई भी गेम देखे हैं लेकिन ज्यादा नहीं खेला कभी। कंचे कैसे, मतलब खेल में कैसे अच्छे लगता था आपको कंचे खेलना है? ये तो अच्छे बच्चों के नहीं खेलना चाहिए। ये मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे भी बचपन से यही बताया गया, कंचे खेलना, लट्टू चलाना, और ये सब चीजें अच्छे बच्चों की निशानी नहीं होती तुम तो थी। अच्छा बच्चा जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर, यूनिवर्सिटी में जब आप आए तो लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए? क्योंकि स्कूल लेवल पर तो काफी सारी चीजें होती हैं कि आप घर वाले आपके देखरेख के लिए होते हैं और काफी सारी चीजें होती हैं। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी करी है, तो क्या कुछ चेंजेस आए लाइफ में उस समय? तो फ्यूचर तक पहली बार अकेले रहना सीखा, मतलब माँ बाप के दूर। तो मतलब यूनिवर्सिटी उस समय थोड़ी फर्क तरह की यूनिवर्सिटी थी आज से शायद, लेकिन हम लोगों को तो शुरू शुरू में कुछ रैगिंग होती है, उससे जो नए बच्चे जाते हैं ना यूनिवर्सिटी में उनको बहुत डर लगता है। एक दो महीने तक वो चलता रहता है, फिर बाद में ठीक हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी में कुछ खास अच्छा नहीं, पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचिकर पढ़ाई नहीं होती थी उस समय, लेकिन एक आध प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, उनसे हम लोग बात पर्सनली भी मिल लेते थे, बाद में बात कर लेते थे, उनसे कुछ प्रेरणा मिलती थी। सर, लेकिन ऐसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं में साहा सर कि भी काफी हद तक, काफी समय तक उस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे थे, तो कभी आप साहा सर से मिले हैं? नहीं, हमारी पहले की बात। जी, मतलब उसके बाद कभी मिलने आए हो, कभी लेक्चर वगैरह देने आए? जी। और सर, यूनिवर्सिटी में आपके मतलब यूनिवर्सिटी में जब आप अकेले रहने लग गए, लाइफ थोड़ी सी चेंज होती है, खाना वाना खुद बनाना पड़ता है, सब कुछ काम खुद करना पड़ता खाना है। खुद ही बनाते थे, खाना तो कुछ लोग मेस में महाराज बनाते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ओके, सिस्टम है कि वो 9-10 बच्चे मिलकर एक महाराज को रख लेते हैं, वो खाना देता है, बनाता है उनके लिए, उसको हर महीने पैसा देना पड़ता है। मतलब जो जी। यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय होता है, स्टूडेंट अपनी ओर से किसी महाराज को रख लेते हैं, जी उसको खाना बनाने की जगह यूनिवर्सिटी देती है, हॉस्टल देता है, लेकिन वो हॉस्टल का एम्प्लॉय नहीं होता, वो उनका हम लोगों का एम्प्लॉय था। जी तो सर, आप लोग यूनिवर्सिटी में जब थे तो आपने रैगिंग का माहौल बताया, और उस समय के जो कॉलेजेस थे और आज के जो कॉलेजेस का कल्चर में काफी सारा शिफ्ट आया है, तो आप जब आजकल के बच्चों को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आजकल के यूनिवर्सिटी के बच्चों से जब आप मिलते हैं तो, आप उस समय जिस तरह के रहे थे? आजकल के बच्चे पहले से ज्यादा जागरूक होते हैं, उनको दुनिया के बारे में कुछ ज्यादा मालूम रहता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ मेरा सीधा संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि आयु का काफी फर्क है, तो क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले से तो कुल मिलाकर बेहतर है। हमारे जमाने में पूरे देश में मतलब गरीबी इससे ज्यादा थी, जैसे कोई स्टूडेंट होगा उसके पास 4 शर्ट होंगी, आजकल 4 कोई ये गिनता नहीं है कितनी शर्ट है, इतनी मतलब ऐसा नहीं है कि शर्ट की कमी महसूस हो। हमको याद है हमारे जमाने में तो लोग गिनते थे कि साबुन खर्च करना चाहिए, खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए आदि आदि, छोटी छोटी चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है था। सर, आप कभी अपनी पॉकेट मनी के लिए आपने कुछ अलग काम किए हैं, ट्यूशंस वगैरह जैसे काम, कि ट्यूशंस पढ़ाए हों? और नहीं, और कब? नेशनल साइंस के लिए स्कॉलरशिप मिलता था, वो जी, काफी अच्छा था उसके लिए, ओके किया। ओके, जी। तो सर, कभी आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो
जिसमें आपकी मुलाकात किन्हीं ऐसे इंसान से हुई हो जिन्होंने आपकी जो है लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हो, काफ़ी हद तक आपकी लाइफ को बदला हो, तो उसके बारे में बताइए। तो मैं केल्टिक में गया था, वहाँ पर प्रोफेसर रिचर्ड फिनमैन करके थे, तो उनसे एक बार नहीं मिले, उनसे मिलते रहते थे कि हमारे डिपार्टमेंट थे, और उनको मैंने देखा, समझने की कोशिश किया, तो उस जो उनके जीवन का नज़रिया था, जिस तरह से वो पढ़ाते थे, वो सब दिखता था मैं, तो ये तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उनका मुझ पर काफ़ी असर पड़ा, मतलब तब कहाँ तक मैं उनकी बात समझ पाया, उसको अपने आप में कर पाया, ये सब तो और लोग कहेंगे, लेकिन इतना कि उनके संपर्क में आने से मुझे कुछ फर्क तो पड़ा, प्रेरणा मिली कि किस तरह का होना चाहिए। कोई एक ऐसा इंटरेक्शन सर जो आपको याद हो उनके साथ हुआ हो, पर्सनल इंटरेक्शन जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें? ओके, मैं छोटी सी एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक दिन मैं वहाँ पे कैफेटेरिया में खाना खा रहा था सुबह के ब्रेकफास्ट, और वो भी एक्चुअली वहीं पर स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में बैठकर कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे थे शायद, तो मुझसे पूछ लिया कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, मैं बच्चों के साथ बात करते ना वैसे, तो मैं बता रहा था कुछ उनको, कोई खास बात नहीं, जो भी कुछ छोटा मोटा कुछ कर रहा था उसमें बता रहा था, और एक बहुत सीनियर प्रोफेसर थे स्वाइप करके, जो बहुत मशहूर हैं एक्चुअली, वो वेट कर रहे थे कि हम इन प्रोफेसर से बात करेंगे, तो पास में जरा तीन चार सीट छोड़कर बैठे हुए थे, तो कुछ 5-10 मिनट तो उन्होंने वेट किया, फिर वो थोड़ा सा कुछ बेचैन से हुए, तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर फिनमैन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि डोंट यू सी आई एम वेरी बिजी, तो दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि मैं तो उस समय स्टूडेंट था, कोई खास अच्छा भी नहीं, ऐसे ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट, बट ही वॉज पेइंग अटेंशन एंड ही वॉज विलिंग टू गिव मी टाइम एंड ही वॉज विलिंग टू कीप दैट सीनियर प्रोफेसर वेटिंग, तो वो मुझको लगा कि ऐसे मतलब ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, वो कहेंगे इसको स्टूडेंट को कहेंगे अच्छा तुम बैठो अभी 5 मिनट बाद तुमसे फिर बात करता हूँ, तो वो सबको खासतौर से स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, तो वो उनको याद है एवन इंसिडेंट। तो सर उनके पढ़ाने का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, मतलब आज जो आपकी पढ़ाने की तरीके हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं हमारे पढ़ाने में उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है, तो उनका या कोई एक ऐसे टीचर हो जिनका आपकी पढ़ाने की प्रणाली पे काफ़ी हद तक असर दिखता हो? असर होगा क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो उनकी अच्छी बातें थी वो सीखी जाएं, तो एक बार कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ जो इससे संबंधित है, तो एक बार वो कुछ किसी पत्रकार से बात कर रहे थे फिनमैन, बाद में उन्होंने हमको बताया था इस तरह से, हमको मतलब पर्सनली मुझको नहीं, लेकिन ये किसी लेक्चर में बाकी लोगों को बता रहे थे, तो वो पत्रकार ने उनसे वो कैसे कहते कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं लोग बेकार हमें परेशान करते रहते हैं, कहते हैं कि प्रोफेसर फिनमैन आपको नोबेल प्राइज़ मिल गया है तो आप हमको बता दीजिए कि किस बात पे आपको नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो पत्रकार कुछ हंसने लगा, उसने कहा कि हाँ हाँ आप उनसे कह दीजिए कि अगर मैं इस तरह से 2 मिनट में तुमको बता सकूँ कि क्या नोबेल प्राइज़ किस बात पर मिला तो शायद नोबेल प्राइज़ मिलने लायक बात नहीं थी, तो वो बात आई गई हो गई, फिर वो लेकिन उनको परेशान करती रही, फिर 3-4 दिन बाद उन्होंने फिर से रिपोर्टर को फ़ोन किया, उनका नहीं नहीं तुम सही नहीं हो, क्योंकि अगर जिस बात पर मुझे नोबेल प्राइज मिला है मैं उसको हाई स्कूल स्टूडेंट को नहीं समझा सकता तो इसका मतलब कि मैं नोबेल प्राइज उस बात पर मुझे नहीं मिलना चाहिए था। तो उसके दो पक्ष हैं, एक तो ये कि कोई बात
उसको इतनी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आप दूसरों को भी समझा सके। और दूसरा ये कि ये नहीं कहना चाहिए किसी को कि ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये तो बहुत गूढ़ बात है। अगर वो फंडामेंटल बात है तो वो ज्यादातर लोगों को समझ में आनी चाहिए, नहीं तो वो फंडामेंटल नहीं है। कहीं बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, वो मैंने कर दिया, तो उसको एक्सप्लेन करना कि क्या सवाल था ये भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है तो कम से कम ये बताना कि ये रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है, ये तो हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए भी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए उसको, और प्राइम मिनिस्टर को भी समझ में आना चाहिए। नहीं नहीं आई एम सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन, लेकिन अगर आपको कहना है कि मैं साइंस में अच्छा काम कर रहा हूँ या मेरा इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है, तो उनको कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जी जी ये एक साइंस कम्युनिकेशन का एक काफी अच्छा एक सिद्धांत आपने जो है अपनी ही बातों में काफी अच्छे से बताया है कि अगर नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च को अगर हम एक स्कूल स्टूडेंट को ना समझा पाए तो व्यर्थ कह सकते हैं हम उसे। इस बात ये हर बार कहना सही नहीं होगा नहीं समझे। जी ये कह सकते हैं कि हम खुद उसको पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं समझे अभी तक। जी 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 तो सर कोई ऐसा किस्सा जिसमें आपने स्टूडेंट से कुछ सीखा हो, कोई ऐसे स्टूडेंट आपके रहे हैं जिनसे आपने बहुत अलग सी चीज सीखी हो और आपका नजरिया बदल गया हो? नहीं नहीं एक ऐसी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें तो सारे टाइम होती रहती हैं, उनसे हम सीखते रहते हैं। ये तो है, तो कोई एक खास ऐसी चीज नहीं होगी, लेकिन मतलब ये कि इस बात को ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए तो उनकी ज्यादा समझ में आएगा, या ये भी इस तरह का भी कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो सबको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन वो उसको मुझको ऐसी कोई चीज नहीं याद आ रही है खास इंसिडेंट जिससे बता सके हैं सर। जी तो सर अब थोड़े से सवाल और लेंगे फिर आपको जो है हम थोड़ा परेशान करना बंद करेंगे अभी, और रिक्वेस्ट करेंगे कि जब हम असल में मिले, जब हम जूम से हटकर सारे बंदरों से हटकर मिले तब माहौल जो है वो अलग हो थोड़ा, हम चाहेंगे कि जी। तो सर आपके खाने में आपकी फेवरेट चीज क्या है? सब तरह के फल वल खाता हूँ और बहुत पसंद है, सिंपल खाना ज्यादा पसंद है, बहुत मसालेदार चीजें नहीं अच्छी लगती बस। तो यूपी की कोई डिश ऐसी जो आपको पसंद हो? दाल चावल दाल चावल तो हर जगह है सर, यूपी की कोई डिश मुझको ऐसी इलेबोरेट डिश ज्यादा नहीं पसंद आती है, मिठाई में ज्यादा शौक नहीं है मिठाई खाने का। जी चलिए बढ़िया है कोई बात नहीं। और खेल आपको कौन से पसंद रहते हैं, खेल देखने में भी आपको अच्छे लगते हैं? क्रिकेट देखते हैं सर आप? मैं अब से करीब 2 साल पहले तक तो देखता था, अभी देखना जरा कम कर दिया है। वर्ल्ड कप देखता था, उसमें क्रिकेट में अच्छा रहता है क्योंकि थोड़ा सा टीवी के सामने बैठे रहते हैं और एपिसोड थोड़ा सा रिपीटिव होता है खेल, वो अनवाइंड करने के लिए अच्छा रहता है। अगर आप न्यूज सुने तो उससे सारे टाइम और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता रहता है, इसलिए न्यूज नहीं देखनी चाहिए, उससे टीवी में क्रिकेट मैच हो वो देखना बेहतर है। जी 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 आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी रही हैं सर? फिल्में देखते हैं सर हम? हाँ हाँ तो हिंदी फिल्म थी सत्यकाम, धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर की फिल्म थी, और एक अंग्रेजी फिल्म थी कैसाब्लांका करके,
भी तो बहुत सारी अच्छी होती हैं, लेकिन अभी ये दो नाम खास तौर से याद आए। जी। और सर, साइंस फिक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी आजकल जो हम लोग साइंस फिक्शन देखते हैं, जो साइंस फिक्शन के बारे में मूवीज बनती हैं, सीरीज बनती हैं, और आपके समय पे किताबें हुआ करती थी, तो दोनों के बारे में आपके क्या विचार हैं? कुछ फर्क तरह का जनरे मैंने बाद में सीखा, मतलब जब मैं अमेरिका गया था उसके बाद मैंने साइंस फिक्शन की फिल्म देखना शुरू किया। उसके पहले एक आध नोवेल पढ़ा था, वो उसमें कुछ इतनी ज्यादा रुचि नहीं आई थी। अब देखता हूँ तो अब तो उसमें बहुत सोच कर बनाना पड़ती साइंस फिक्शन की फिल्म ना, और उसमें काफी नए नए विचार आते हैं। मेरे को वो दो तीन बार देखनी पड़ती तब मेरी समझ में आती, पहली बार में पूरी समझ में नहीं आती। तो सर, कौन सी मूवी है जो अभी आपने रिसेंट देखी हो साइंस फिक्शन की? ग्रेविटी, ग्रेविटी। ग्रेविटी जो स्पेस एस्ट्रोनॉट की एक कहानी है जी। इंटरस्टेलर देखी सर आपने? कौन सी? इंटरस्टेलर, नहीं। इंटरस्टेलर जरूर देखिए सर, हाईली रिकमेंड। वो जरूर देखिए सर, वो मैं कहूँगा आप देखें और उस पर अपने विचार जरूर प्रकट करें। और किताबें सर, कभी आपने साइंस फिक्शन वाली कुछ पढ़ी हैं? साइंस फिक्शन के बारे में अब मतलब मैंने पढ़ी है ये सब पुरानी साइंस फिक्शन की किताबें ना, तो उसमें बड़ा ताज्जुब होता है पढ़कर कि वो लोग समय वो लोग सोच पाए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना कर सकते हैं। कुछ एक किताबें सर जो और आप रेकमेंड करना चाहें आजकल के बच्चों को कि पढ़ें? की किताबें मुझको बहुत पसंद आती थी, वो कुछ मतलब फेरी टेल जैसी होती हैं, उसमें नॉट ऑलवेज साइंस फिक्शन, समटाइम्स फिक्शन फैंटेसी और साइंस फिक्शन सब मिलकर सा होता था, मुझको अच्छा लगता है। उसकी जी कोई रोबोट सीरीज है और ट्रायलॉजी है, डगलस एडम्स बहुत अच्छा लगता है। तो सर, अंत में एक एडवाइस जो आप आजकल के बच्चों को देना चाहेंगे, अभी कोविड के टाइम पे जो अपनी स्टडीज कर रहे हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम्स भी दे रहे हैं, और कोविड के खुलने का, अपने कॉलेजेस के खुलने का, यूनिवर्सिटीज के खुलने का, स्कूल्स के खुलने का वेट कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक एडवाइस आप देना चाहें तो? जो एडवाइस मैं एक्चुअली कई बार स्टूडेंट्स को देता हूँ वही मैं फिर से दे सकता हूँ आपके माध्यम से, और लोगों को जिनको मिलने का मौका नहीं मिलता है। जो अपना उद्देश्य है जीवन का, वो थोड़ा सा नंबर लाने से आगे का रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सोचते नहीं है उस टाइम, सोचते हैं बस हमारा क्या काम है, हमारा उद्देश्य तो अच्छे नंबर लाना है। एक बार मैं स्टूडेंट से कह रहा था कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना आई सर में, अच्छे अच्छे सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, कि आप जो है पढ़ रहे हैं ठीक है अच्छे, हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़ें, तो क्या आपका उद्देश्य है कि हम क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो अगर आपको उद्देश्य होगा कि मेरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आए तो एक ही बच्चा सफल होगा, बाकी सब तो असफल रहेंगे। लेकिन अगर ये कहें कि मेरा उद्देश्य है कि मैं जितना अब तक जानता हूं उससे 10% ज्यादा जान जाऊं, तो उसमें सब लोग सफल हो सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य यही होगा कि मैं जो अपनी जब मैं पास करूं यूनिवर्सिटी तो मुझे क्लास में से इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा पेइंग जॉब मिले, तो एक ही बच्चा सफल होगा। जो फर्स्ट आए किसी चीज में भी उससे ज्यादा लाभ नहीं होता, दैट इज अ डेंजरस डिजायर। और हमारे देश में कुछ हद तक इसकी बहुत ज्यादा होती है, वो कहते हैं कि अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो जीवन व्यर्थ हो गया सारा। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों का जीवन जो है वो व्यर्थ ही होगा, तो उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए।
अगर आपके माँ बाप भी ऐसा कहते हैं कि नो कि तुम जो है खूब मेहनत करो खूब मेहनत करो ताकि तुमको फर्स्ट आ जाओ क्लास में, तो अच्छे मतलब आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अच्छी तरह से सीखूं कुछ, लेकिन फर्स्ट आना तो जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें अपना वक्त देने के लिए। और आज सर एक्चुअली में बहुत बिजी हैं, बट क्योंकि ये मीटिंग पहले से शेड्यूल्ड थी तो सर ने अपना वक्त निकाला इस मीटिंग के लिए, उन्होंने अपना वक्त दिया और हमसे बात करी, कई बार अपने विचार प्रकट किए, कई चीज़ों पर अपने विचार प्रकट किए, और काफ़ी मज़ा आया सर आपके साथ बात करके। और मैं चाहूँगा सर कि कभी मौका मिले तो मैं आपसे ज़रूर फेस टू फेस मिलूं, क्योंकि आपसे मिलने जी जब भी सर आप दिल्ली आए मुझे जरूर बताइएगा, दिल्ली आए तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि एक बार मिलकर जो है वो आपसे वार्तालाप किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते।